हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तुषार और आप देख रहे हैं हमारे साथ हमारा ही चैनल जिसका नाम है प्रॉड यो गीकी। तो दोस्तों, जियो यहां पे लेके आ गया है दो नए ऑफर। जी हां, हैप्पी न्यू ईयर 2018 के लिए वो लेके आया अपने नए ऑफर, जैसे कि वो पिछले साल भी लेके आया थे तो इस साल भी लेके आया। अगर आप सोच रहे हो कि यहां पे जियो फिर से देने वाला है 3 महीने के लिए फ्री इंटरनेट सर्विस, तो आप बिल्कुल गलत है। जी हाँ, फ्री नहीं मिलने वाला, पेड रिचार्जेस हैं, बट पेड रिचार्जेस में भी बहुत अच्छे ऑफर वो यहाँ पे लेके आया है। तो क्या है वे दो ऑफर, वो डेफिनेटली मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। बट उससे पहले एक बात बता दूं कि यहाँ पे मैं लेके आया इस वीडियो में आपके लिए छोटा सा गिव अवे। वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या होगा वो गिव अवे और क्या होगी उसकी टर्म्स एंड कंडीशन, जिससे आप उस गिव अवे को जीत पाओगे। तो वीडियो को जरूर देखिए पूरा। तो अब बात करते हैं उन दो नए प्लान्स की। तो वो दो नए प्लान्स हैं वो है, एक जो रिचार्ज यहाँ पे आ जाता है वो है 199 रुपये का, 199 का। इसमें आपको मिल जाएगा 1.2 GB डेली का डेटा 28 दिनों के लिए। और जो दूसरा यहाँ पे प्लान आ जाता है वो है 299 यानी 299 रुपये का। इसमें आपको मिल जाएगा 2 GB डेटा डेली का 28 दिनों के लिए। तो ये आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि आपको अगर 199 वाला इनफ है आपके लिए, मीन्स 1.2 GB डेटा डेली का इनफ है, तो आप उसको करा सकते हैं। अदरवाइज आपके पास यहाँ पे दूसरा ऑप्शन भी है कि आपको 2 GB डेटा डेली का चाहिए, तो यहाँ पे आपके लिए 299 वाला प्लान भी है। वहीं पे अगर हम अदर कंपनीज देखें यानी कि एयरटेल वोडाफोन, तो एयरटेल वोडाफोन 199 रुपये के रिचार्ज में आपको दे रही है 1 GB डेटा डेली का। वो भी कहीं ना कहीं ओके है, जहां इनके रिचार्ज पहले बहुत हाई थे तो अब कहीं ना कहीं इनके भी थोड़े लो रेट में आ चुके हैं। जियो की बराबरी, जियो को टक्कर देने की ये भी कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको 199 में 1 GB मिल रहा है डेली का 28 दिनों के लिए। वहीं पे इनके अगर 2 GB वाले प्लान में जाते हैं तो एयरटेल आपको 349 रुपीज में देता है 2 GB डेटा डेली का 28 दिनों के लिए, और वोडाफोन आपको देता है 2 GB डेटा डेली का 28 दिनों के लिए 348 रुपीज में। तो ये तो इनके प्लान्स है। तो दो जीबी डेटा वाला जो प्लान है उसमें कहीं ना कहीं जियो का प्राइस काफी बेटर है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके उधर कौन सा नेटवर्क सबसे बेस्ट आता है। भाई हमारे उधर तो एयरटेल बहुत ही ज़्यादा बेकार आता है। मैं पहले खुद एयरटेल यूज़ करता था और एयरटेल की जो यहाँ पे इंटरनेट सर्विस है ना, बहुत 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 ही ज़्यादा घटिया है यार, बिल्कुल नेटवर्क आते ही नहीं। आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपके यहाँ जियो के नेटवर्क कैसे आते हैं। यहाँ पर जियो के नेटवर्क फिर भी काफ़ी अच्छे हैं एयरटेल के कंपेयर में। आप भी मुझे बताना कि आपके उधर इन सब नेटवर्क कंपनीज के नेटवर्क आपके उधर कैसे आते हैं। दोस्तों, सोचने वाली बात वैसे एक ये भी है कि अगर हम आज से कुछ साल पहले की बातों में नजर मारे तो हमको 1 GB डेटा जो पर मंथ का पड़ता था ना, उसकी कॉस्ट हमको देनी पड़ती थी लगभग 300 से 400 रुपये। तो सोचने वाली बात यह है कि यार कंपनीज हमको कितना लूटती थी। मीन्स आज वही कंपनीज हमको 199 रुपये में 1 GB डेटा डेली का दे रही है, और उस टाइम पे वो हमसे 300 से 400 रुपये चार्ज करते थे, वो भी 3G डेटा के लिए यार मात्र। तो मतलब उस टाइम पे कंपनीज हमको कितना लूटती थी। अगर जियो यहाँ पे नहीं आता तो शायद हम आज भी हमको ये कंपनी लूट रही होती और हम इतना ज़्यादा पे कर रहे होते, और शायद इंटरनेट हमारे लिए इतना जितना आज की डेट में हम लोग जितना सर्व करते हैं शायद उतना नहीं कर पाते। तो ये जो है जियो ने कहीं ना कहीं आके इन सारी कंपनीज को बहुत अच्छा सबक सिखाया। अब सबक सिखाए थे जो भी हो, बट हम यूजर्स के लिए तो बहुत फायदेमंद चीज़ हुई कि हमें मज़ा आया, क्योंकि इतने सस्ते दामों में हमको यहाँ पे इंटरनेट के प्लान्स हमको यहाँ पे मिलने लगे, तो हमारे लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इसके लिए सारा जो थैंक्स जाता है, जो क्रेडिट जाता है, वो ऑब्वियसली जियो को ही जाता है। तो हम सबको जियो को थैंक्स करना चाहिए, तभी उन्हीं की वजह से जो है सारी टेलीकॉम कंपनीज ने जो है अपने प्लान्स गिरा दिए हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो ऑलरेडी बहुत घाटे में यहाँ पे चल रही है। वैसे अभी सर्वे के मुताबिक पता चला कि जो इंडियंस यूजर्स हैं वो 150 करोड़ GB जो है पर मंथ का मोबाइल डेटा यूज कर रहे हैं, केवल मोबाइल डेटा जो है 150 करोड़ GB कर रहे हैं। मीन्स हम लोगों ने जो कंज्यूमिंग है इंटरनेट कंज्यूमिंग में, हमने US और चाइना दोनों को पीछे कर दिया और नंबर वन पे आ चुके हैं मोबाइल डेटा कंज्यूमिंग में। तो ये सब कुछ भी जो मुमकिन हो पाया ना, ये केवल जियो की वजह से हो पाया। माना हमारी इंटरनेट स्पीड बहुत आज भी बहुत हल्की है, अदर कंट्रीज के मुकाबले देखेंगे तो हमारे यहाँ जो इंटरनेट की स्पीड आती है वो बहुत ही हल्की आती है, बट फिर भी यार इतनी कम स्पीड में हम इतना ज़्यादा डेटा कंज्यूम कर दे रहे हैं। मानना पड़ेगा कि हम इंडियंस को मानना पड़ेगा कि यार मतलब अगर हमको अच्छी स्पीड मिल गई ना, तो शायद इससे कई गुना ज़्यादा हम लोग इंटरनेट डेली का यूज़ भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पे लेके आऊँगा पहले छोटा सा गिव अवे, तो क्या है उसकी टर्म्स एंड कंडीशन वो आपको बता देता हूँ। करना आपने कुछ नहीं है कि आपने कर देना पार्टिसिपेट करने के लिए, इसमें एक वीडियो को लाइक दे दीजिए, उसके साथ साथ कमेंट करके मुझे बताना कि आपके उधर जियो का नेटवर्क कैसे आता है, या कोई भी कंपनी का नेटवर्क आपके उधर कैसे आता है, या आपको जियो के प्लान अच्छे लगे। मीन्स कुछ भी आप कमेंट करके मुझे बताना इस टॉपिक से रिलेटेड। साथ ही साथ कर दीजिए इस वीडियो को शेयर, कहीं भी कर सकते हो, व्हाट्सएप में करो, फेसबुक में करो, कहीं भी करो, ताकि आपको दोस्तों को भी पता चल सके कि हाँ यहाँ पे जियो लेके आ गया है दो नए ऑफर। तो उसके साथ साथ सब्सक्राइब करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो शायद आप इस कॉम्पिटिशन से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो ये तो थी जो मैंने आपको टर्म्स एंड कंडीशन बताई। उसके बाद जैसे ही इसमें हो जाएंगे वीडियो में 2500 लाइक, तो उसके बाद मैं लाइव आऊँगा, लाइव आपको दिखाएंगे कि हम रैंडमली 10 कमेंट सेलेक्ट करेंगे, वो जो 10 कमेंट सेलेक्ट करेंगे उन लक्की विनर्स के हम कर देंगे 199 वाले जियो के रिचार्जेस। इस पहले आपको बता दूं कि आप उसके लिए जियो के कस्टमर होने जरूरी है। अगर आपके पास जियो का नंबर है तभी आप इसमें पार्टिसिपेट करिए, ताकि आप जीत पाएं यहाँ पे 10 रिचार्जेस। तो ये तो थी हमारा छोटा सा गिव अवे। अगर आपको अच्छा लगा तो आप पार्टिसिपेट करिए,
बाकी वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो आप हमको मेल कर सकते हैं, मेल आईडी जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों ये तो वीडियो में सिर्फ अभी तक इतना ही था, एंड यस थैंक्स फॉर वॉचिंग प्रॉड यो गीकी।